हेलो गाइस, हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। यू आर मोस्ट वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिक्स की एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम की जो डेट्स है उनको लेकर बहुत सारे आप लोगों के डाउट्स है, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस और कॉल्स आ रहे थे कि सर एग्जैक्ट एग्जाम डेट क्या रहने वाली है, क्योंकि एम्स की साइट पर ही जो एम्स बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल की एग्जाम डेट है वो दो दे रखी है। जैसे पहले जो प्रोस्पेक्टस आया एम्स की साइट पे, उस पे एम्स बीएससी नर्सिंग की जो एग्जाम डेट थी वो थी 8 जून, और बीएससी पैरामेडिक्स की जो एग्जाम डेट थी उसकी एग्जाम की जो डेट है वो थी 22 जून। तो उसके बाद में भी जो की डेट्स आती है आपकी, जब आप एम्स का पोर्टल खोलेंगे तो उस पे की डेट्स आती है, उनके अंदर एम्स बीएससी पैरामेडिक्स की जो एग्जाम डेट है वो 6 जुलाई कर दी गई है 22 जून की बजाय। तो दो डेट्स है, कौन सी डेट फिक्स है, किस डेट को एग्जाम पेपर होगा, क्या वो आप लोगों के डाउट्स आ रहे हैं, तो ये ही डाउट आप लोगों का क्लियर करने के लिए वीडियो में शूट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी जो दोनों डेट्स एग्जाम की साइट पे दे रखी है, तो मेन हम जो डेट मानते हैं वो प्रोस्पेक्टस वाली। की डेट्स में कुछ इनकरेक्ट हो गया हो सकता है उसकी वजह से, या फिर ये भी हो सकता है कि जो की डेट्स वाली डेट है वो सटीक मानी जाए इन फ्यूचर अगर फ्लक्चुएशन हुए हैं कुछ। तो अभी मैंने जो एग्जाम सेक्शन है एम्स दिल्ली का वहां पे भी बात करी कि ऐसा क्यों हो रहा है या फिर कब तक ये चीजें रिजोल्व हो जाएंगी। तो उनका कहना ये है कि जो भी प्रोसीजर होगा या फिर अगर कुछ इनकरेक्ट हुआ है, मिसिंग कोई डेट अगर गलत डल गई है, तो उसके लिए एक प्रॉपर नोटिफिकेशन आ जाएगा एम्स की साइट पे। और आपको अभी जो एग्जाम की डेट है वो जुलाई वाली लेके नहीं चल रही, आपको जून वाली एग्जाम के बेसिस पर ही आपकी प्रिपरेशन करनी है कि सपोज अगर एग्जाम जून में हुई तो उसी बेसिस पे आपकी एग्जाम, उसी बेसिस पर आप अपनी प्रिपरेशन करें और उसी डेट को आप एग्जाम के लिए रेडी रहे। अगर एक्सटेंड हो जाती है एक महीना डेट तो आप लोगों के लिए तो फायदेमंद है, एक महीना आपको और मिलेगा प्रिपरेशन के लिए। तो अभी आप लोगों को जो 22 जून वाली जो डेट है वो लेके चलनी है। अगर कोई भी फर्दर चेंजेस होते हैं या फिर आपके एडमिट कार्ड में या फिर एम्स की साइट पे कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो वो नोटिफिकेशन की जो वीडियो है मैं अपने चैनल पे सबसे पहले अपलोड करूंगा, ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम आप अपडेट होते रहे सारी चीजों से और कोई भी ऐसा मिसकंसेप्ट आप लोगों के माइंड में ना बने। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को प्रेस करके रखना है, ताकि कोई भी नई वीडियो आए वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाए। और मैं अभी कंटिन्यूअसली अपने चैनल पे एम्स के जो PYQs है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है जिनसे ज्यादातर क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एम्स में, वो सारे वन बाय वन डालता रहूंगा। तो चैनल से आप लोग जुड़े रहिए ताकि सारी चीजें आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।